स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ ओट्स की नमकीन। ओट्स की नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा टेबल स्पून कच्ची मूंगफली ली है, हल्का सा इसको लो आंच पे रोस्ट कर लेंगे हम। मैंने इसमें एक टीस्पून ऑयल मिलाया है, आंच मीडियम है मेरा, मीडियम आंच पे देखिए हम कर रहे हैं। एक ही मूंगफली अच्छे से चटकने लगी है, कच्ची मूंगफली है, भुनी मूंगफली भी ले सकते हैं, मार्केट में छिली हुई मिलती है। इसमें आप सॉल्टेड भी यूज कर सकते हैं जो मार्केट में मिलती है। हाई हीट पे मत करिएगा, मूंगफली ऊपर से तो हो जाएगी, अंदर से हल्की कच्ची रहेगी, इसलिए लो मीडियम पे रखिएगा। मूंगफली हो गई है, उसको हम खाली कर लेंगे। इसी पैन में हमने थोड़ा सा घी बढ़ा दिया है, ये कच्चा कॉर्नफ्लेक्स है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, इसको मैं डीप फ्राई कर लूंगी, इसको भी निकाल लेंगे। एक बड़े बर्तन में मैंने मूंगफली डाला है, उसी में इस कॉर्नफ्लेक्स को भी डाल देंगे। हमने थोड़े से मखाने लिए हैं, इसको भी हल्का सा भून लेंगे। ऑयल कम कर दिया है उसी पैन में। आप मखाने की क्वांटिटी कम ज्यादा जितना बना रहे हो ले सकते हैं। ये हमारा मखाना भून गया है, इसको भी इसी पैन में खाली कर लेंगे। वापस एक चम्मच ऑयल और डालेंगे, थोड़े से करी ली और दो हरी मिर्च को मैंने कट किया है, इसको भी भून लेंगे। मीडियम आंच पे लो मीडियम करिएगा। ये मेरा देखिए भून गया है अच्छे से। आप इसमें सूखी लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, ये फ्रेश हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको भी हम इसी में मिला देंगे। बस मैंने पैन चढ़ा दिया, उसको थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं, इसको भी हल्का सा भुनेंगे। ऑयल ना के बराबर है इसमें, पहले से और लगा हुआ था पैन में, मैंने डाला नहीं है। चलाते रहिएगा, नहीं तो लग जाएगा एक तरफ से, हल्का सा सूंधापन आ जाए। हमारा ये बादाम बिल्कुल भुन गया है, इसको भी मैं खाली कर लूंगी इसी में। वापस मैंने एक छोटा चम्मच घी डाला, काजू को भी भून लेंगे वैसे लो मीडियम पे। काजू भी ऑलमोस्ट मेरा भुन गया है, इसको भी मैं इसी में खाली कर लूंगी। अब इसी पैन में मैंने ये एक इसमें हाफ बाउल मैंने ये ओट्स लिया है, कुकर ओट्स है, आप कोई भी ओट्स यूज कर सकते हैं। इसको विदाउट ऑयल लो आंच पे मुझे क्रिस्पी होने तक रोस्ट करना है, भुनना है, ऑयल नहीं मिलाना है इसमें। ये बहुत ही हेल्दी और कम ऑयल में नमकीन बनके आपकी तैयार होगी। एक बार आप होली पे ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही टेस्टी है, बनाना भी बड़ा आसान है कम ऑयल में। अच्छे से मेरा रोस्ट हो गया है, मेरे लो आंच पे से भुनने में मुझे 3 मिनट लग गया। उसको तेज आंच पे बिल्कुल मत भुनिएगा, गैस बंद कर देंगे, 2 मिनट से चलाते रहेंगे, बिल्कुल गर्म है पैन अभी। इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है पहले से। इसको भी इसी में हम मिला देंगे और इसके बाद इसमें मसाले मिलाएंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आधा चम्मच पिसी खटाई, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, काला नमक थोड़ा सा, मैंने सादा नमक मिला रखा है, ध्यान से मिलाइएगा। आधा चम्मच भुना पिसा जीरा को फटाफट हम मिला लेंगे पूरा इसी में अच्छे से। बहुत ही टेस्टी नमकीन बनके तैयार होगी आपकी होली पे, आप इसे कम ऑयल में जरूर ट्राई करिए। ये देखिए हमारे यहाँ ओट्स की नमकीन बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।